अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आई वेलकम यू ऑल इन द ऑनलाइन सेशन लैब ऑफ अप्लाइड फिजिक्स लैब 6 पार्ट 2। एंड इन दिस लैब वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एलसीआर मीटर एंड हमहोल्ट्ज कॉइल पेयर। एंड वी कंटिन्यू द सेशन विद दिस वीडियो। सो हम लास्ट में डिस्कस ये कर रहे थे कि अवेलेबल है मेरे ख्याल में जो सवाल पूछ रहे थे जी। यस सर, मैं आपका सवाल यह था कि जी कॉइल तो सेम है, हम इसको 180 डिग्री अपोज करने के नतीजे में हमारा करंट कम क्यों हो रहा है? ठीक है, मतलब इफेक्ट अपोजिंग करंट का डिक्रीमेंट की तरफ क्यों जा रहा है? अच्छा, वो इसलिए डिक्रीमेंट की तरफ जा रहा है क्योंकि हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वायलेशन कर रहे हैं। फैराडे ने ये कहा था कि करंट जिस डायरेक्शन में आप देते हैं, कॉइल सेम डायरेक्शन में रखे होने के नतीजे में प्रोड्यूस होगा, लेकिन अगर आप कॉइल अपोजिट कर लेंगे तो उसके नतीजे में आपका करंट डिक्रीमेंट की तरफ जाएगा। तो ड्यू टू द वायलेशन ऑफ दिस फैक्ट द करंट इज रिड्यूस फ्रॉम एडिंग करंट टू अपोजिट करंट। दैट्स द रीजन कि आप जब उसे पलट देते हैं 180 डिग्री आउट ऑफ फेज तो उसका इफेक्ट बजाय इंक्रीमेंट के वो डिक्रीमेंट हो जाता है। तो ये सिनेरियो है जो कि अपोजिट कॉइल करने के नतीजे में आपका एलसीआर मीटर भी आपको यही चीज़ बताता है कि आप, और यही तो इसकी खूबसूरती है कि ये बता देगा कि आपने कॉइल को उल्टा प्लेस किया हुआ है, अपोजिट प्लेस किया हुआ है, जिसके नतीजे में आपकी एलसीआर मीटर की जो रीडिंग है वो भी डिक्रीमेंट की तरफ जा रही है। तो ये तो एक अच्छा साइन है ना कि वो अपोजिट डायरेक्शन भी आपको बता रहा है जिसकी वजह से आपकी वैल्यूज कम आ रही है। यहाँ तक आई थिंक आई आंसर योर क्वेश्चन। यस सर, बस वही समझ नहीं आ रहा था कि कॉइल को, मतलब कॉइल तो वही है, मतलब इसमें चेंजेस जो, मतलब अपोजिट और एडिंग वाला जो वो है सिनेरियो, वो कैसे अप्लाई हो रहा है? कॉइल सर पेयर्स भी वही है, मतलब सर्कल जो कॉइल के सर्कल हैं वही हैं, उसमें करंट भी 2 एम्पियर है, तो ये चीज बता दें। मेरे ख्याल में आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा है थोड़ी देर पहले, मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को। मैंने यही चीज़ कही है कि जब एडिंग करंट हम निकाल रहे होते हैं तो डिस्टेंस बढ़ाने के नतीजे में हमारा एडिंग करंट बढ़ रहा होता है, लेकिन अपोजिंग करंट का ये सिनेरियो रिवर्स इसलिए हो रहा होता है क्योंकि कॉइल को हम 180 डिग्री आउट ऑफ प्लेस कर देते हैं। और यही इस एक्सपेरिमेंट की खूबसूरती है कि जब हम कॉइल को 180 डिग्री आउट ऑफ फेस प्लेस करते हैं तो जो एक कॉम्बिनेशन हमहोल्ट्ज कॉइल का एलसीआर मीटर के साथ है तो वो कॉन्सेप्ट उल्टा होने लगता है, जिसके नतीजे में पता लगता है कि शायद हमने अपना जो कनेक्शन किया हुआ है हमहोल्ट्ज कॉइल के साथ या तो वो अपोजिट है या फिर हमने अपने कॉइल को उल्टा प्लेस कर दिया है, जिसके नतीजे में हमें पता लगता है कि अपोजिंग करंट और डिक्रीमेंट इफेक्ट इसकी वजह से आ रहा है। तो इस मकसद के लिए हम ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये एक अच्छा साइन है, इससे हमें ये आइडिया हो रहा है कि हमने कॉइल को अपोजिट प्लेस किया हुआ है। तो ये हमें ये चीज़ बताती है, इससे हम सिमेट्री का मवाजना नहीं कर रहे हैं कि मतलब दोनों तो सेम है तो दोनों के इफेक्ट नहीं आने चाहिए, हम ऐसे कर दें या वैसे कर दें तो एक्सपेरिमेंट में कोई चेंजेस या तब्दीली महसूस नहीं होगी। तो यही कॉन्सेप्ट है कि हम अगर कॉइल की प्लेसमेंट उल्टी करते हैं तो एलसीआर मीटर उसके अपोजिट डायरेक्शन करने के नतीजे में हमें रीडिंग अपोजिट देना शुरू कर देता है, और इससे हमें आइडिया ही होता है कि हमने कॉइल की डायरेक्शन को उल्टी रखी हुई है। तो ये इंडिकेशन है जो एलसीआर मीटर हमें बता रहा है और ये एक अच्छा साइन है मेरी एक नॉलेज के मुताबिक। तो यहाँ तक अगर कोई सवाल है आपका या मजीद किसी का तो पूछ लीजिए, हम उसे डिस्कस कर लें, लेकिन तो आगे चलते हैं। यस सर, क्लियर है सर। तो यहाँ से फिर हम आगे चलते हैं। इसके बाद हमने क्या किया है, हमने जो एडिंग करंट और अपोजिंग करंट हमारे आपस में आए हैं इनको एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर लिया है, और इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमें ये वाली रीडिंग्स हासिल हो गई हैं। इनमें कोई डिफिकल्टी किसी के जहन में है कि हमने ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू किस तरह से मालूम करी है? कोई सवाल अगर किसी के जहन में हो तो पूछ लें। 5 लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हमने एडिंग करंट अपोजिंग करंट को आपस से माइनस कर दिया, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू के नतीजे में, तो इससे हमें जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉलम मिल जाएगा जो कि हमने यहाँ पे एम्प्टी रखा हुआ है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस मिली हेनरी में, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे आ जाएगा द डिफरेंस बिटवीन
एडिंग करंट एंड अपोजिंग करंट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस कॉन्सेप्ट एंड इन दिस कॉलम वी हैव फिल बाय अपोजिंग बाय सब्ट्रैक्टिंग दीज टू रीडिंग्स विद ईच अदर टू गेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस कॉलम. टिल नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज फील फ्री टू डिस्कस. आई रिपीट और द काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड एस्पेक्ट्स अगेन एंड अगेन. और अगर कोई डिफिकल्टी नहीं है तो फिर हम कपलिंग कोफिशेंट्स की तरफ चलते हैं. जो कि कपलिंग कोफिशेंट निकालने का तरीका क्या होता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो आपने निकाला है उसको L1 से डिवाइड कर दें. तो जो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस के कॉलम की वैल्यू आती जाएंगी आपके पास वन बाय वन उनको आप L1 से डिवाइड करते जाएं और आपको ये कॉलम मिल जाएगा. और ये वैल्यू जो कपलिंग कोफिशेंट की होती है वो लेस देन टू वन आनी चाहिए. ठीक है, इसका मतलब यही है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस परफॉर्म हो रही है और ये वैल्यू आ रही है. तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं. फिर मैंने ये एक्सपेरिमेंट कैलकुलेटर के ऊपर करके भी दिखाया है कि सबसे पहले मैंने इन दोनों रीडिंग्स को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट किया, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आई, और म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आने के बाद मैंने कपलिंग कोफिशिएंट निकाला. कपलिंग कोफिशिएंट मैंने कैसे निकाला कोई बताएगा यहाँ पे? जी जनाब, हाउ कैन आई फाइंड द कपलिंग कोफिशिएंट? जी, आप अब्दुल रहमान साहब अपने हैंड रेज किए, बताएं. सर, कपलिंग कोफिशिएंट निकालने के लिए हमने क्या करते हैं, जो म्यूचुअल इंडक्शन हमारी आई है ना, जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसको जी. हम L1 से डिवाइड कर देंगे और L1 हमारे पास 21.70 मिली हेनरी है. अच्छा, अगर इसको मैं L2 से डिवाइड कर दूं तब भी सेम आंसर आएगा मेरे पास? यस सर, क्योंकि हमारे पास दोनों की वैल्यूज हुई. जी जनाब, तो ये बिल्कुल बेसिक और मेन कॉन्सेप्ट है जो अब्दुल रहमान साहब बिल्कुल समझ गए हैं. और जैसे ये सारे सवालों के सही जवाब दे रहे हैं तो इसका मतलब इनको समझ आ रहा है. इनके अलावा और किसी को कोई डिफिकल्टी हो तो भाई आप माइक खोल के पूछ सकते हैं. कोई भी मुश्किल हो, परेशानी हो, तो आई विल आंसर योर क्यूरी. अदरवाइज आई कैन कम टू पैरल कॉम्बिनेशन ऑफ हम होल्ड कॉइल विद LCR मीटर कॉन्सेप्ट. तो हम इसकी तरफ जाएंगे क्योंकि अब हमने सीरीज कॉम्बिनेशन की वीडियो पूरी सीख ली है, देख ली है, और ये रीडिंग्स जिस तरह आ रही है मैंने वेरीफाइड लेवल पे कैलकुलेट करके भी दिखा दिए. मेरे ख्याल में थोड़ी धुंधली है क्योंकि यही मीटर वहाँ अवेलेबल था, सॉरी कैलकुलेटर अवेलेबल था, तो जो मिल गया उससे कर ली भाई. मुफ्त में तो कुछ भी चीज़ मिल जाए तो हम इस्तेमाल तो कर लेते हैं. तो वहाँ अवेलेबल था कैलकुलेटर, बड़ा थोड़ा धुंधला हो रहा था, 8 महीने से रखा हुआ था, पहली बार ही चलाया है मैंने इसको वहाँ पे. ये तो ये रीडिंग्स फिर हमारी कपलिंग कोफिशिएंट की इस तरह से आई है और हमने ये फिल कर लिए. यहाँ तक इस पूरे एक्सपेरिमेंट में कोई डिफिकल्टी, क्योंकि ये वीडियो एंड हो रही है, फिर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ जाऊंगा. कोई डिफिकल्टी यहाँ तक है किसी के जहन में तो पूछ लें. सर, एक कॉइल की वजह से जो दूसरे कॉइल में फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा था जी, तो उसका क्या होगा? वही चीज म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाती है. मैंने जो ये रीडिंग निकाली थी ये वाली, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू हमें बता रही है कि एक कॉइल में तो इतनी एडिंग करंट है, अपोजिंग कॉइल में ये वाली करंट है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस है. अच्छा, म्यूचुअल इंडक्टेंस कौन सा, आप ट्रांसफार्मर की तरफ या ट्रांसफार्मर की हद तक ही अगर रखेंगे ना तो वो ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट है. यहाँ पर हमने ट्रांसफार्मर के कॉन्सेप्ट को लिया जरूर है, लेकिन कंप्लीट ट्रांसफार्मर का एस्पेक्ट नहीं लिया. क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर में जो इस तरह के कॉइल होते हैं ना, वो आपस बहुत सारे कॉइल होते हैं और आपस में बहुत नियर अबाउट रखे हुए होते हैं, क्योंकि वो KV 11 KV 22 KV 400 वोल्ट्स में काम हो रहा होता है और उसमें हेनरी के बिहाफ पे इंडक्टेंस होती है. लेकिन ये हम माइन्यूट लेवल पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं. दूसरी बात, हम इसको ओपन एयर में परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, और इसके जो जिसके ऊपर वायर को बाउंड किया गया है वो कोर भी नहीं है, ठीक है, तो ये सारे इसमें लीकेज भी होगी क्योंकि वो फ्लक्स एयर में भी पेनिट्रेट कर जाएगा. दैट्स ऑल, दीज आर ऑल द काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स ऑन विच हैव टू बी काउंट टू अंडरस्टैंड द एक्सपेरिमेंट. तो आपका मजीद सवाल है इसके हवाले से, या मैंने अगर जवाब नहीं दिया तो पूछ लें दोबारा? नो सर, क्लियर. अच्छा जी, तो हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पे हम होल्ड कॉइल के निकाला है. अच्छा, म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट ट्रांसफार्मर में एक अलग एस्पेक्ट्स में है, क्योंकि वो ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जिसका म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड जरूर है, लेकिन उसकी सिमेट्री डिफरेंट है इससे. ये ट्रांसफार्मर नहीं है, ये हम होल्ड कॉइल का कॉन्सेप्ट है. इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस किसी और तरीके से निकलेगा, ट्रांसफार्मर में किसी और तरीके से निकलेगा. मोटर में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होती है, मैं इलेक्ट्रिकल मशीनरी पढ़ा रहा हूँ, तो अगर
आप लोगों को मौका मिले तो उसकी भी वीडियोस देखिएगा। इंशाल्लाह मैं मंडे से वो रिकॉर्ड करूंगा और शेयर करूंगा, तो उसमें भी मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के कॉन्सेप्ट वगैरह बताऊंगा स्टार्टिंग से, और ट्रांसफार्मर वगैरह के, और इसी तरीके से मोटर के अलावा। अच्छा, मोटर भी फिर आपकी एसी मोटर, डीसी मोटर, स्पेशल कैटेगरी की मोटर, यूनिवर्सल मोटर, और बहुत सारी मोटर होती हैं, तकरीबन 25-30 किस्म की तो मोटर्स होती हैं। तो इन सब के अंदर म्यूचुअल इंडक्टेंस इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। इसी तरह आ जाए जनरेटर की तरफ, तो जनरेटर हो गया, ऑल्टरनेटर हो गया, एस सिंक्रोनस जनरेटर हो गया, सिंक्रोनस जनरेटर हो गया, इन सब के अंदर अलग अलग म्यूचुअल इंडक्टेंस के कॉन्सेप्ट हैं और उनको निकालने का अलग अलग तरीका है। तो यहाँ पे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमने मालूम की है ना, उसका ये तरीका है कि हम इन दोनों एडिंग करंट अपोजिंग करंट एक दूसरे से सेपरेट करते हैं और म्यूचुअल इंडक्टेंस को हासिल कर लेते हैं मिली हैंड। उसके बाद फिर कपलिंग कोफिशिएंट निकालते हैं कि एक कॉइल दूसरे कॉइल से कितने हद तक डिस्टेंस के सेपरेशन से कपल है, और एक कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस के रेफरेंस एक के मुताबिक कपलिंग कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी है। तो इसमें हमने ये चीज ऑब्जर्व करी है। ओके जी, यहाँ तक मेरे ख्याल में सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई डिफिकल्टी किसी के जहन में नहीं है। तो मैं अब आता हूँ और अपनी नेक्स्ट वीडियो जो कि मेरी पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर है, उसको अब मैं चलाऊंगा। वो कहाँ गई, ये वाली थंबनेल देख रहे हैं, माशाल्लाह कितने जबरदस्त बने हुए हैं। मतलब अब आते हैं हम पैरेलल की तरफ। यस सर, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है भाई इसके अंदर, इसके लिए तो मुझे कोई बंदा हायर करना चाहिए असल में। यस अच्छा सर, जब अच्छा आप वो बनाना वो लगा रहे थे ना कंडक्टर एक हाथ से, उस टाइम वीडियो देखते हुए लग रहा था कि अल्लाह ना करे भी आप एक हाथ से करें कि गिर ना जाए, गिर ना जाए। हाँ, ये एक हाथ में और आपके वीडियो बना रहे थे। ये गिर जाए तो फिर और बड़ा मसला हो जाएगा, इसलिए बस अल्लाह ताला ने करवा दिया भैया। तो अब आते हैं हम पैरल कॉम्बिनेशन की तरफ। पैरल कॉम्बिनेशन की वीडियो 15 मिनट की है, तो मैं इसके ऊपर आया सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरल कॉम्बिनेशन। पैरल कॉम्बिनेशन में ये बहुत आसान है, दोनों प्रोब को लेंगे, दोनों कनेक्टर से लगा देंगे, और वो दोनों कनेक्टर को जम करके हम यहाँ लगाएंगे। ये भी मैंने परफॉर्म जब किया था तो इसकी भी नौइयत आपको अंदाजा हो रही होगी कि मैंने कनेक्शन किया हुआ। तो मैंने पैरल कनेक्शन करने के लिए एलसीआर मीटर को लेके पहले कॉइल से कनेक्ट किया है, ये पहले से ही बनी हुई थी, मैंने एडिट नहीं किया ताकि सामने सामने कर सकूं, तो इसलिए मैंने निकाला नहीं सीरीज कनेक्शन को पैरल करने के लिए। तो हम आगे आते हैं, अगेन ये टेक्निकल चीज़ें देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने डीन साहब से बात करी है तो उन्होंने कंफर्मेशन मुझे दे दिए कि हम लैब एग्जाम तो ले लेंगे इंशाल्लाह, तो परफॉर्मेंस इस तरह से करवा रहा हूँ मैं। तो यूनिवर्सिटी खुलने के बाद मैं कोशिश करूँगा एग्जाम की तरफ आऊँ और आपको एग्जाम कराकर इस तरह फारिग कर दूँ, क्योंकि परफॉर्मेंस तो मैं ऑलरेडी करा रहा हूँ। तो मैं ये इस तरीके से कर रहा हूँ कि मैंने दोनों कनेक्टर्स को बड़ी एहतियात से लिया है, क्योंकि इनकी सिमेट बिल्कुल करीब है, ये गिर भी सकते थे उस वक्त, लेकिन बच गए ये। तो कनेक्टर्स को मैंने सबसे निकाला है आपस में और पैरल कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करी है। पैरल कॉम्बिनेशन बहुत सिंपल है इसमें, कि ये आपस में 1 to 1 कनेक्ट करना है, ठीक है। जो इसका पैरल पहला टर्मिनल है उसका भी पहला टर्मिनल कनेक्ट होगा, फिर बनाना कनेक्टर मैंने ये सेकंड लिया, इसे कनेक्ट किया है दूसरे वाले से, और फिर ये दोनों पैरल में कनेक्ट हुआ, समझ रहे हैं। पहला वाला वायर उसके पहले वाले से, दूसरा वाला वायर दूसरे वाले टर्मिनल से, और ये 1 to 1 कनेक्ट है आपस में लाइन ऑफ साइट में, यानी आमने सामने। तो अब मैं एलसीआर मीटर के ये कनेक्टर्स लूंगा और वन बाय वन लगा लूंगा। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ आया, कोई सवाल किसी के इसके जहन में है तो पूछ लीजिए इस कनेक्शन से रिलेटेड अब तक। तो ये सिमेट्री पैरेलल की है तो आपके सामने नजर आ रही है, ठीक है। तो ये पैरल कॉम्बिनेशन मैंने, यहाँ तक कोई सवाल किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए। L1 L2 वही रहेंगे। अब हम पैरल की रीडिंग की तरफ यहाँ पे आएंगे। अगेन मैं पूछ रहा हूँ, कोई सवाल किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए। फिर मैंने यहाँ पे स्केल प्लेस किया है ताकि रीडिंग्स को मैं ले सकूँ। ये बाद में मुझे ख्याल आया, बजाय नीचे रखने के मैं ऊपर ही रख लेता हूँ। जी सर, रोप्स को हम पैरेलल में क्या लेते हैं, दूसरे तरीके से अगर लगाना चाहें, जैसे मीटर से ही हम दो रोप्स लें, पहले L1 पे लगा दें और फिर दूसरी रोप मीटर से लें और L2 पे लगा दें, तो ये भी पैरेलल कहलाएगा। नहीं, ये सीरीज कहलाएगा,
आपको पैरल में करने का तरीका ये होता है कि दोनों प्रोब को एक कॉइल से कनेक्ट करना है और फिर मीटर को दोबारा उससे कनेक्ट करना है। तो फिर उसका सिंपल तरीका ये होता है कि दोनों कॉइल को आपस में पैरल में कनेक्ट कर दें और उसी पैरल कनेक्शन से मीटर को कनेक्ट कर दें, ठीक है ना। यस सर। यहाँ तक कोई सवाल मजीद किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा। लेकिन ये वीडियो अच्छी तरह देखें भाई, ये इसलिए जाके यूनिवर्सिटी बनाना पड़ रहा है कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आए, वरना ये थ्योरी ऊपर से करा देने का कोई पूछने वाला भी नहीं है और ये आराम से फुलफिल हो जाएगी। लेकिन जाके करने का, पूरे दिन लगाने का मकसद यही है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आए, और कोई डिफिकल्टी हो तो मुझसे पूछ लीजिए। तो इसके अंदर भी हम ऐसे ही करेंगे कि हमारी एडिंग करंट और अपोजिंग करंट हमें निकालना है। अच्छा, इसमें देखें तो डिस्टेंस को बढ़ाने के नतीजे में एडिंग करंट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? जी जनाब, जी अब्दुल रहमान साहब, आपने हैंड रेस किया हुआ है, आप पूछ लिया करें, कोई और तो बोल नहीं रहा, आप डायरेक्टली बोल दिया करें। यस सर, बस इसलिए है हैंड रेस कर रहे हैं, क्या पता किसी और के जहन में जवाब हो, फिर वो मौका ना मिल रहा हो, तो हाँ बस मुझे पता भी नहीं, अब हैंड ऐसा रेस। लगता है फीस तो आप ही दे रहे हैं, बाकी सब लोग तो मुफ्त में पढ़ रहे हैं। नहीं सर, क्या पता सबको क्लियर हो गया हो। जी, तो बताएं। सर इसमें करंट जो हो रहा है वो डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ कम होते जा रहा जी बिल्कुल, और अपोजिंग करंट का इफेक्ट क्या है? है। सर वो डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं सर। बढ़ते जा रहा है, तो पैरल के अंदर हमने ये इफेक्ट ऑब्जर्व किया है और वो रीडिंग से अभी अंदाजा भी हो जाएगा। मजीद कोई सवाल किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए, बस हमें ये एलसी कनेक्शन सिर्फ मेंटेन करना है एलसीआर मीटर का, हम होल्ड्स कॉइल ऑफ पेयर के साथ, और देन हमें एडिंग करंट अपोजिंग करंट को फाइंड आउट करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस को मालूम करना है एंड कपलिंग कोफिशिएंट को मालूम करना है। तो फिर आप देखें, ये सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस मैंने यहाँ पे बढ़ाना शुरू किया है, तो ये एडजस्टमेंट मैं कर रहा हूँ इनकी। सबसे पहले मैंने नियर अबाउट होपफुली रख दिया है, और इनका जो सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस होगा होपफुली ये 7.5 या 7 है, जिसके नतीजे में रीडिंग इसकी आ रही है 12.5, और मेरे उस पे मीटर के ऊपर भी 12.5 होपफुली आ ही रही है। तो मैंने इसको 7.5 पे रखी, तो 12.42 आ रही है, 12.42 एलसीआर मीटर पे, तो 12.5 लेट से आ रही है, ठीक है ना, 12.42, 12.5 तकरीबन एक जैसी ही है। 7.3 डिस्टेंस पे रखने के बाद मैंने उसे करीब कर दिया है, और इस तरीके से फिर मैंने डायरेक्टली वन बाय वन लेके जाऊंगा, रीडिंग सेम आ रही है, डिफरेंस इतना है नहीं, तो मैंने 15 सेंटीमीटर के ऊपर डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट करके लास्ट वैल्यू के ऊपर 11.48 या 46 को मालूम किया है यहाँ पे। जी जनाब, अब इसके बाद किया मैंने ये है कि सेपरेशन पहले डिस्टेंस की है, अच्छा चलो पहले घुमा लिया भाई मैंने 180 डिग्री आउट ऑफ फेस, ठीक, क्लियर है जी, कि मैंने रोटेट किया है उसको, और फिर अब मैं क्या निकालूंगा इसके जरिए से, अपोजिंग अपोजिंग करंट में निकालूंगा। बिल्कुल जनाब, तो अब मैं अपोजिंग करंट की तरफ जाऊंगा और सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस इसको रोटेट करने के बाद रखूंगा, और फिर एलसीआर मीटर के ऊपर इसकी रीडिंग मैं फाइंड आउट करूंगा। तो ये सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस होपफुली नियर अबाउट है, तो 7.5 पे ही मैं रखकर ये वैल्यू मालूम करूंगा, 7.5 पे। तो अच्छा, इसकी बैटरी भी डेड हो रही थी उस वक्त, बेचारे को ऐसे ऑन ऑफ कर करके करा, फिर एक्सपेरिमेंट कर इसकी बैटरी मैंने चेंज करी, तो 9.45 आ रही है, तो इसकी वैल्यू जो 7.5 के ऊपर आ रही है, सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन कॉइल वन ऑफ एंड कॉइल टू ऑफ हम होल्ड्स कॉइल, दैट वुड बी 9.45, और 9.4 आ रही है वैल्यू मिली हेनरी के अंदर, तो हमने ये भी मालूम कर ली है इस तरीके से, क्लियर है। और इस फिर सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस मैं कॉइल वन, L1 और L2 के दरमियान बढ़ाता जाऊंगा, तो जैसे जैसे मैं कॉइल के डिस्टेंस बढ़ाता जाऊंगा तो वैल्यू मेरी बढ़ती जाएगी, तो ये अपोजिंग करंट का जो एस्पेक्ट है वो इस तरीके से आता जाएगा। फिर मैंने लास्ट वैल्यू मेरे ख्याल में मालूम करी है इसके बाद डायरेक्टली, हाँ ये 15 सेंटीमीटर के ऊपर मैंने रखकर, ये एंड टू एंड, और ये वाले भी एंड पर है, ये 15 सेंटीमीटर के सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस के ऊपर, और यहाँ पे वैल्यू तकरीबन 10.5
58 आ 59 आ रही है, तो मेरी रीडिंग क्या आ रही है अभी मैं देख लेता हूँ। अच्छा वो शायद रीडिंग मैंने पहले देख ली है। नहीं बहरहाल, लेकिन ये रीडिंग ऐसे ही आनी है, मैंने शायद लास्ट रीडिंग मीटर पे नहीं दिखाई, वो शायद मुझसे मिस हो गई। मैं अपना कैमरे का फोकस सिर्फ कॉइल पर रखा रह गया हूँ और मैंने शायद वर्बल ही बोला है उस वक्त, तो रीडिंग उस वक्त आ गई होगी। मैंने शायद कैमरे का फोकस मीटर पे नहीं किया है, जिसकी वजह से मीटर में शायद दिखा नहीं। 10.23 तो आ रही है, लेकिन ये स्टार्टिंग की वैल्यू आ रही थी मेरी ना, 10. बल्कि आई आई है 10.23 और ये 10.59 आ रही है, तो ये आखिर की वैल्यू आई है यहाँ। उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा जी, कोई बताएगा? फिर से माइनस करके थर्ड कॉलम वो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे। जी बिल्कुल, और उसके बाद फिर उसके बाद कोफिशिएंट मालूम करेंगे, तो कपलिंग कोफिशिएंट जो है कि कपलिंग कोफिशिएंट फिर मैं मालूम करूंगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन कनेक्शन बिटवीन हमहोल्ट्ज़ कॉइल एंड एलसीआर मीटर, तो वो मैं मालूम करूंगा। अच्छा जी, ये दोनों रीडिंग पे मेरी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एलसीआर मीटर की आ जाएगी और पैरेलल की आ जाएगी, उसके बाद क्या करूंगा मैं? जी जनाब, जी अब्दुल रहमान साहब बताएं। यस सर, इसके बाद हम पैराग्राफ बनाएंगे, क्या कहते हैं दोनों का सीरीज और पैरेलल का, के उसमें हमने क्या सीखा है, उसमें हम क्या कहते हैं एक्स एक्सिस पे रखेंगे, मतलब जीरो से लेकर, जीरो से स्टार्ट होगा 15 तक जाएगा और हमारी जो वो आ रही है ना कोफिशिएंट की वैल्यू। आंसर आ रहे हैं, यस सर, वो भी आएंगे पैराग्राफ में। अच्छा ग्राफ कितने बनेंगे इसमें? सर दो बनेंगे। दो बनेंगे, तो मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है ग्राफ एक्सेल में कैसे जनरेट करते हैं? यस सर, आपकी आपने बताया था। तो आप इस वैल्यू को बजाय इसके कि आप हैंड रिटन भी ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन आप इसमें सेफ साइड करिएगा ये कि आप रीडिंग्स को लेके हैंडमेड भी बना सकते हैं ग्राफ, और एक्सेल के अंदर भी जैसे मैंने बताया है रीडिंग रखकर एक कॉलम में रखकर दोनों को, और दोनों को सिलेक्ट करके ग्राफ पे क्लिक कर दें, ऑटोमेटिकली ग्राफ बन जाएगा, उसका प्रिंट ले लें या फिर हैंडमेड बना लें, इट्स अप टू यू। तो इसमें दो ग्राफ बनने हैं तो वो आपको शो करने होंगे, तो सेफ साइड यही है कि आप आपकी मर्जी है कि जिस तरह चाहें हैंडमेड बनाना चाहें उस तरह बना लें। ग्राफ बनेगा एक्स की वैल्यू ऑफ सीरीज एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, सॉरी कपलिंग कोफिशिएंट के दरमियान सीरीज का, पैरेलल का ग्राफ भी डिस्टेंस एंड कपलिंग कोफिशिएंट के दरमियान बनेगा। तो ये दो ग्राफ हैं क्योंकि दो ऑब्जर्वेशन कॉलम ऑफ रीडिंग है, तो उसके मुताबिक आपके दो ग्राफ बनेंगे, और दो ग्राफ जो आपके बनेंगे वो आपको यहाँ पर अटैच करने होंगे इसके साथ। आखिर में जिस तरह इन्होंने बताया तो रहमान साहब ने कि हमें ये जो कंक्लूजन है कि आपने इसमें क्या सीखा है फिर वो प्लेस करना है और वो यहाँ पे आप बनाएंगे। ग्राफ जरा मैं देख लूँ, ये कॉम्बिनेशन फिर मैंने दोबारा आई थिंक रिपीटेशन में दिखाया था। यहाँ एक्सपेरिमेंट में अब तक कोई चीज़ किसी का सवाल हो, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा। इसके बाद मैं आखिर में ग्राफ की तरफ जाऊंगा और आपको ग्राफ ग्राफ मैंने बताया नहीं इसमें, या सीरीज वाले में बताया? चले अच्छा है नहीं बताया, तो आप अपना ग्राफ फिर खुद बनाइएगा ना, आपको आइडिया, वरना तो मैं ऐसे ही आ जाएगा, तो आप ऐसे ही बना लेंगे ग्राफ। तो ग्राफ आपको बनाना है बिटवीन द रीडिंग ये, ठीक है ना, यहाँ तक हमारी लैब एंड हो जाती है, और कोई सवाल किसी के जहन में है यहाँ तक तो पूछ लीजिए। मेरे लेक्चर के हवाले से कोई अगर मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या कोई ऐसी चीज़ जो कि आप लोगों को मज़ीद मैं समझा सकूँ तो मुझे ज़रूर सजेस्ट करें और मुझे ज़रूर आपकी तरफ से फीडबैक दें ताकि मैं इसे इम्प्रूव कर सकूँ मज़ीद और इसको अच्छी तरह से आप तक अपने नॉलेज को और अपनी इस चीज़ों को अच्छी तरह प्रेजेंट कर सकूँ। जी अब्दुलरहमान साहब। सर ये डिस्टेंस को नज़र रखते हुए एक सवाल जहन में आ रहा है, दरअसल जब हम एडिंग और अपोजिंग करंट की बात करते हैं और डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, तो सर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये दोनों रीडिंग्स आपस में मैच करेंगी, क्योंकि देखा जाए ना कि एक रीडिंग बढ़ रही है और एक कम हो रही है, तो ये एक रीडिंग ऐसी आएगी सर
डिस्टेंस पे, कि दोनों सेम होंगी। ठीक है सर, बिल्कुल तो सही अब बात है। हम बात करते हैं मैनुअल की। तो मैनुअल पे ये लिखा हुआ है कि अगर कोफिशियंट मतलब ऑफ कपलिंग ऑफ कोफिशियंट अगर जीरो हो जाता है तो जी देयर इज नो मतलब म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो नहीं सर जी, उसका भी बता दीजिए। मैं ये बता रहा हूँ इस सवाल के जवाब में, ये बाद में कहूँगा जनाब, कि जब आप ये रीडिंग्स को प्लेस करेंगे ना, तो ये दोनों ग्राफ अलग अलग बन गए, और इन आप डिस्टेंस और कपलिंग कोफिशिएंट का ग्राफ एक का बनाएंगे, ठीक है? डिस्टेंस और कपलिंग कोफिशिएंट का ग्राफ एक का बनाएंगे। तो डिस्टेंस और कपलिंग कोफिशिएंट को जब आप बना रहे होंगे इसमें, तो उसके बिहाफ पे चीज़ें आपको मिल रही होंगी, और यही चीज़ मैं इसमें आपको गाइडलाइन के तौर पर बताता हुआ चल रहा हूँ, कि जब आप इसमें लेके चलेंगे तो इसमें चीज़ें आपको इस तरीके से अंदाज़ा और मिलेंगी। उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि आपको दोनों ही ग्राफ एक साथ भी बना लेंगे तो उसमें आपको वैल्यू जीरो होती भी नहीं मिलेगी, ठीक है? आप पहले ग्राफ को बनाएं, अगर वो वैल्यू जीरो होती है तो बताएं। आपने ना बगैर वो बनाए हुए आई थिंक ये डिस्कस कर रहे हैं आप, वो वैल्यू जीरो नहीं होगी, कपलिंग कोफिशिएंट की वैल्यू ग्रेटर यस देन सर, नहीं यस सर, होगी। ये तो मैं एक अपना नजरिया देख रहा था कि जैसे अपोजिंग बढ़ रहा है और क्या कहते हैं एडिंग कम हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जाके मीट होंगे। और अकॉर्डिंग टू मैनुअल हमने जो पढ़ा उसमें ये कहीं जिक्र था कि ये कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग जीरो हुआ तो म्यूचुअल इंडक्शन जीरो हो जाता है, तो जी इसलिए ये मैंने जी जी सवाल कर जी लिया हूँ। नहीं क्लियर तो ये नहीं है। जी, ये सवाल एक टेक्निकली गलत भी एक तरीके से, देखें हमारा एडिंग करंट और जो अपोजिंग करंट है, इन दोनों का कपलिंग कोफिशिएंट से डायरेक्टली लेना देना नहीं है कोई, इन दोनों का कपलिंग कोफिशिएंट से डायरेक्टली लेना देना नहीं है, क्योंकि हम एडिंग करंट और अपोजिंग करंट को यूज करते हुए म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू निकालते हैं, और म्यूचुअल इंडक्टेंस को इस्तेमाल करते हुए आखिर में निकालते हैं कपलिंग कोफिशिएंट, और ग्राफ जो हम बनाएंगे वो कपलिंग कोफिशिएंट और डिस्टेंस का बनेगा। तो इसमें कपलिंग कोफिशिएंट ये जीरो होने का सवाल ही नहीं है बिल्कुल भी, और इससे हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारे जीरो होगी ही नहीं। तो ये टेक्निकली सवाल गलत है असल में। यस सर, बस ये जेन में आ गया था। दरअसल ना जब मैं ये सोच रहा था दोनों आपस में जब मीट हो जाएंगे तो जी, हम जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो म्यूचुअल इंडक्शन निकालते हैं। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर म्यूचुअल इंडक्शन का जीरो आएगा। जीरो को अगर हम L1 से भी किसी भी डिवाइड कर मतलब लें। डिवाइड करें तो आंसर जीरो ही आएगा। तो मेरे जेन में ये सवाल आ गया तो मैंने फिर आपसे हाँ, लेकिन ऐसा चलें हम चलें। कर ठीक है सर, ऐसा होगा जी नहीं, उसकी वजह यह है क्योंकि दोनों की वैल्यू जीरो होगी नहीं किसी भी इंस्टेंट के ऊपर ना, क्योंकि वे एक दूसरे का फर्क रखते हैं और वो जीरो नहीं होगी। तो बहरहाल इसका जवाब मैंने दे दिया। इसके अलावा और मजीद किसी के जहन में कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो, तो यू कैन टेल टू मी एंड फॉर इम्प्रूवमेंट माई स्किल्स, और सेशन को अदरवाइज हम यहाँ पे एंड करते हैं। अगर कोई डिफिकल्टी किसी के जहन में नहीं है, कि दोनों सेशन जो मैंने अभी रिकॉर्ड किए हैं मैं इंशाल्लाह आज आप लोगों से शेयर भी कर दूंगा, और कोई नेक्स्ट वीक के लिए फिर हम इंशाल्लाह लैब 9 करेंगे हम अपने फर्दर अगले जुम्मे वाले दिन। तो यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है, तो मैं होपफुली सेशन को एंड करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।